काफ़ी टाइम से उन्होंने मेरे अंदर राइटिंग की जो स्किल थी वो उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी, कि उन्होंने मुझे एक बहुत हिस्ट्री की एक काफ़ी मोटी सी किताब मुझे उन्होंने गिफ्ट की। तो मैं मुस्कुराई और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये मैंने तुम्हें इसलिए गिफ्ट किया कि तुम्हें भी शर्म आए और तुम भी लिखो। मैंने इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड बात नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट पाकिस्तान टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम अकबर। आज के दिन में जो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, मोटिवेटर नहीं, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ एन एंकर पर्सन, शी डज हैव हर एक्सपर्टीज इन मैस कम्युनिकेशन। हर नेम इज़ सफ़िया मीर। वेलकम टू आवर शो मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। रियली ऑनर टू हैव यू। कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम मैं आपसे अपना पहला क्वेश्चन करती हूँ, आप कौन सा रोल आप ज़्यादा पसंद करती हैं, एंकरिंग को या राइटिंग को? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक लिटिल बिट मूडी पर्सन हूँ। जब मैं ज़्यादातर इंट्रोवर्ट की फेज़ में होती हूँ और तन्हाई पसंद करती हूँ तो उस वक़्त मेरा जो है वो राइटिंग का ज़्यादा मूड होता है, उस वक़्त मैं राइटिंग की तरफ जाती हूँ। और जब मेरी थोड़ी बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आती है तो उस वक़्त मैं ज़्यादा एंकरिंग को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। ओके, ठीक हो गया। यानी कि आप कह रही हैं कि आप राइटिंग ज़्यादा पसंद करती हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि मैं दोनों को एज अ मूड देखती हूँ, कि जब मेरी राइटिंग की तरफ मूड होता है तो मैं उसमें एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, और जब आउटरो की तरफ होता है, एक्सट्रोवर्ट होती हूँ, तो फिर मैं एंकरिंग को ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन अगर आप कहें तो राइटिंग जो है वो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैम एंकरिंग की आप क्या क्वालिटीज़ बताएंगे, क्या बेस्ट एंकर में होना चाहिए, क्योंकि आप मैस कम्युनिकेशन से भी लिंक रखती हैं, आपकी फील्ड से ही है, तो बताएं। एज अ एंकर आपको सबसे पहले जो है वो हम ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और जब हम ये बात करते हैं कि आपने कॉन्फिडेंट होना है, तो इसके पीछे एक पूरी बैकअप होना चाहिए आपके पास। आप जब आते हैं तो आप कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? सिर्फ कहने से नहीं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपके पास बैकअप रिसर्च होनी चाहिए। एक अच्छा एंकर वो होता है कि वो अपनी जो उसकी टॉपिक है, जो उसका गेस्ट है, उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करे। जब वो रिसर्च के साथ आता है तो वो डायरेक्टली उसका जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्ट हो जाता है। इसके अलावा जब आप एंकरिंग कर रहे हैं तो एक तो आपको अपने जो आपकी जो टॉपिक है उस पर गिरफ्त होनी चाहिए, दूसरा आपका जो गेस्ट है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी सी इंट्रो मालूम होनी चाहिए, आपने उसको पढ़ा होना चाहिए, सुना होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप उसको सुन रहे हैं तो आप उसकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा बेहतर तौर पर एनालाइज़ करते हैं, फिर आपको ये मालूम होता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस अंदाज से बात करना पसंद करता है, ज़्यादा संजीदा है, ज़्यादा जो है वो हंसी मज़ाक पसंद करता है। तो जब आप उसको स्टडी करते हैं तो आपके पास स्ट्रॉन्ग जो है वो बैकअप आ जाता है, फिर होल्ड आपके हाथ में होता है। इसीलिए आप एंकर होते हैं कि प्रोग्राम किसी भी तरफ जा रहा होता है तो आप उसको बैकअप करके और उसको मिडल में ले आते हैं और टू द पॉइंट हो जाते हैं बार बार। तो एंकर की ये बेस्ट क्वालिटी होती है, और ये कब होती है कि जब आपके पास बैकअप पर एक मज़बूत रिसर्च होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो आपका गेस्ट है उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा मुताला किया होगा। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की तैयारी आप पहले से करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आप जो है वो एक अच्छे एंकर कहलाएंगे। ठीक हो गया मैम, कब आपका राइटिंग में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ? अच्छा, राइटिंग एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ में कि वो उसको मैंने खुद रियलाइज़ नहीं किया था। ये एक ऐसा वाकया मेरी ज़िंदगी में पेश आया कि मेरे एक उस्ताद थे, वो काफ़ी टाइम से उन्होंने मेरे अंदर राइटिंग की जो स्किल थी वो उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी। तो वो मुझे कहा करते थे कि आप राइटिंग की तरफ आएँ, आप कुछ लिखें। तो मैं उस बात को कभी मैं सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन एक बार एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत हिस्ट्री की एक काफ़ी मोटी सी किताब मुझे उन्होंने गिफ्ट की, और वो किसी खातून की लिखी हुई थी। जब उन्होंने मुझे गिफ्ट की ना, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों गिफ्ट किए? तो मैं मुस्कुराई और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कहा ये मैंने तुम्हें इसलिए गिफ्ट किए कि तुम्हें भी शर्म आए और तुम भी लिखो। ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ पर मैंने फिर लिखने की तरफ मैं आई और मैंने लिखना शुरू किया और मुझे लिखने में मज़ा आया, और फिर मैं लिखती गई और किताब बनती गई।
बहुत सी दुनिया आपको सुनती है, अमल करती है, मानती है, अपनी इंस्पिरेशन मानती है, जैसे हम भी आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? अच्छा, मेरी लाइफ में सबसे जो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन रह चुकी है वो मेरे अपने अब्बू हैं, मेरे वालिद साहब हैं, जिनको मैंने हमेशा आइडियलाइज़ किया है और मैंने एज अ उनको हीरो देखा है। इसके बाद जब मेरी लाइफ का फेज़ आता है तो मैंने मेरे जो हस्बैंड हैं मैं उनको भी रोल मॉडल की तरह देखती हूँ, उनको आइडियलाइज़ करती हूँ। और ये तो मैं आपको अपनी फैमिली के जो रोल मॉडल हैं वो बता रही हूँ, इसके अलावा जो है वो मैं अली अब्बास साहब को बहुत आइडियलाइज़ करती हूँ, और जो मेरी गेटअप है उससे भी आपको लग रहा होगा, तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ और बहुत पसंद करती हूँ। ब्लैक कलर से तो नहीं आप कह रही? जी, उसी से कह रही हूँ। ठीक है, आपकी बुक का टाइटल है कामयाबी आपके हाथ में, ठीक है, इसमें आपने साइकोलॉजी से भी रिलेटेड कोई आंसर ऐड किया है, कोई डोमेन सेट की है, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? नहीं, मैंने इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड बात नहीं की है, मैंने इस पे डायरेक्ट जो हमारे ज़ाती लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनको कनेक्ट किया है, और उसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग के साथ और इसी तरह जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट है उसके साथ रिलेट किया है और उसके उसूलों पर बात की है। यानी कि आपकी बुक में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा या थ्योरेटिकल ज़्यादा है? मेरी बुक में थ्योरेटिकल कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ हवालों के अलावा मैंने उसमें अहादीस के हवाले दिए, मैंने उसमें कुरान के डायरेक्ट आयात के हवाले दिए, और इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ एक मैं इस्लामियात में भी मास्टर्स हूँ, तो अगर मैं हवाला दे रही हूँ तो मैं उसकी स्टडी भी कर चुकी हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने जो है वो अक्वाल ज़रिए बड़े लोगों के अक्वाल भी उसमें ऐड किए हुए हैं, और इसके अलावा उसको पूरा जो है वो मैंने अपनी ज़ाती एक्सपीरियंसेस से डिफाइन और एक्सप्लेन किया है। ठीक हो गया मैम, इतनी रिसर्चेज हैं, बुक्स हैं सैकड़ों के हिसाब से, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी, ये वो, तो हम इस तरफ कैसे आए कि हम इस बुक को पढ़ें, इसकी स्पेशलिटी बताएं? इस बुक की स्पेशलिटी तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिए कि ये बेस करती है एक्सपीरियंसेस पे। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा पसंद पढ़ती हूँ, मैंने कि प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लाइफ जो है वो एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है। आप जितनी ज़्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, आप ख़ुद उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आपके पास रियल विजडम आती है, क्योंकि आप उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, आप जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपकी एक अपनी राय बनती है। जब हम दूसरों को पढ़ते हैं और दूसरों को सुनते हैं तो हम एक अलग एक्सपीरियंस को जो है वो सुन रहे होते हैं, लेकिन जब हम लाइफ को खुद ऑब्ज़र्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं डीप, तो हमारी खुद एक वो पोजीशन आ जाती है कि दूसरे हमें सुनना और देखना पसंद करते हैं। मैम, कामयाबी क्या है? कामयाबी, ये किताब जब मैंने लिखी थी तब भी मैंने ये बात की है कि कामयाबी हर इंसान के लिए एक अलग ही माने देती है। ज़्यादातर अमूमी तौर पर जब हम टीनेजर होते हैं और इस दौर में होते हैं और काफ़ी बड़ी एज तक भी, हमारे लिए कामयाबी ज़्यादातर जो माली एलिमेंट है उससे रिलेटेड होती है कि हमारे पास गाड़ी बंगला ये चीज़ आ जाए, और काफ़ी हद तक हम उसको फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक के लिए कामयाबी एक अलग मीनिंग रखती है। और मेरे लिए कामयाबी के असल मीनिंग ये हैं कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, आप अंदर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, वो आउटर वर्ल्ड से कहीं ज़्यादा, आपकी इनर वर्ल्ड से, आपकी इनर सेटिस्फेक्शन से रिलेट करती है। ठीक हो गया मैम, आप राइटर हैं और रीडिंग से तो हम बहुत दूर जा चुके हैं आजकल के दौर में, आपको पता है मोबाइल आ गया है, गैजेट्स हैं, तो हम तो बहुत दूर है रीडिंग से, ऐसा क्या किया जाए कि हम रीडिंग को स्टार्ट करें? ठीक है, बुक जो है वो बच्चे पढ़ते नहीं, हम भी नहीं पढ़ते। ठीक है, अब हम दौर की जो दौर में जो तब्दीली आ रही है हम उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। जैसे कि आप अब रीडिंग की आप बात करें तो ये स्पेसिफाई नहीं है कि आप बुक ही उठा के रीड करें, उसका दूसरा एलिमेंट ये है कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें बुक्स डाउनलोड करके रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग को पसंद ज़्यादा नहीं करते, आप लिसनिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप बुक्स की लिसनिंग किया करें, ऑडियो बुक्स की लिसनिंग करें, उसकी तरफ आएं। और इसके साथ साथ अगर आप देखने को पसंद करते हैं तो आपके लिए हर चीज़ में एक सबक मौजूद है, आप मूवी से भी सबक निकाल लेते हैं, आप किसी भी वाक्य से, किसी भी बात से, तो आप उसकी तरफ उससे आप लर्निंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए।
रीडिंग की हैबिट एक बहुत बेहतरीन हैबिट है और वो लर्निंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके अंदर लर्निंग की एबिलिटी मौजूद है ना, तो आपकी सराउंडिंग में भी अगर कोई वाकया हो रहा है तो आप उसमें भी लर्निंग अपने लिए निकाल लेंगे। तो आपको एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होना चाहिए, साथ साथ अच्छा रीडर होना चाहिए, लेकिन अच्छा ऑब्ज़र्वर जो है वो अपनी ज़िंदगी में हर वक्त लर्निंग वो करता रहता है और हर वाक्य से वो कुछ सबक निकाल लेता है। तो ऐसी हैबिट हमारे यंगस्टर्स को अपनानी चाहिए कि उनमें जो है वो चाहत, ऑब्ज़र्वेशन, ये उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो उनकी लर्निंग रुके नहीं, चाहे वो किताब नहीं पढ़ रहे, चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लर्निंग है ना वो जारी रहे। ठीक, आप कैसा एनवायरनमेंट पसंद करती हैं राइटिंग के लिए? राइटिंग के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब मेरा मूड ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है और मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, तो मैं राइटिंग की तरफ जाती हूँ और मुझे एक पुरसकून माहौल अच्छा लगता है जिसमें मैं होती हूँ, मेरी थॉट्स होती हैं, एक कलम होता है और एक पेपर होता है और मैं लिखती जाती हूँ। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, यानी कि अक्सर लोग सुबह लिखते हैं, खामोशी बहुत पसंद करते हैं लिखने के लिए? खामोशी तो मैं लिखने के लिए डेफिनेटली बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये मेरी मूड की बात है। लिखना मेरा एक ऐसा एरिया है कि जब मेरा मूड होता है ना तो मैं लिखती हूँ, इसका ताल्लुक मेरे मूड से कहीं ज़्यादा है। फ्यूचर में आप किन एरियाज में लिखना चाहेंगे ज़्यादा? अच्छा, आजकल जो मैं गौर व फिक्र कर रही हूँ, जिस एरिया पर सोच रही हूँ, वो ये एरिया है कि रिसर्च इस बात पर कर रही हूँ कि ज़्यादा बड़ा दर्जा हमारी लाइफ का, यानी कि कसरत व बहतात तमाम के तमाम लाइफ में हमारी अप्लाई कैसे हो सकती है और वो कौन से ऐसी एलिमेंट हैं कि हम उनको अपनाएं और अपनी लाइफ को जो है ना वो एक उरूज तक, एक फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन तक लेकर जाएं। वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक फुलफिल लाइफ के लिए और एक कसरत और बहतात वाली लाइफ के लिए ज़रूरी हैं? मैम, आपने नाम डिसाइड कर लिया? बस कसरत और बहतात ही जो है वो टॉपिक है, अभी तक स्पेसिफिक नाम नहीं है, क्योंकि उसको जब नाम, एक ऐसी चीज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में नाम रखते हैं, आप उसको जो है ना देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, मुशाहिदा कर रहे होते हैं, और नाम बाद में भी हो जाता है, कभी शुरू में हो जाता है। असल में राइटिंग एक ऐसी स्किल है ना कि ये स्पेसिफाई नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि 2+2=4, ये ओपन फील्ड है, इसमें कोई भी राइटिंग कर सकता है जिसके अंदर राइटिंग की एबिलिटी है और जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, जिसके अंदर जो एक लिखारी मौजूद है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फॉलो करना है। वो लिखना चाहता है, वो किसी भी डायमेंशन को फॉलो करते हुए वो लिख सकता है। राइटिंग के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पर मखसूस किस्म के उसूल अप्लाई होते हैं, जैसे कि शायरी के हो गए, कहीं के हो गए, उनमें कहीं कहीं पर ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर उसूलों को, कवायद व इंशा को मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन अब तो ओपन राइटिंग मौजूद है। जैसे ये सेल्फ डेवलपमेंट की मेरी जो बुक्स है ना, ये ओपन राइटिंग पर मबनी है, अपनी आइडियाज़ पर, अपनी थॉट्स पर, तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये ओपन राइटिंग है। कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ बता दें राइटर की? राइटर की सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर क्वालिटी जो मेरी नज़र में है वो ये है कि उसको एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होना चाहिए। ये मेरी नज़र में, अलग अलग लोग इसको अलग तरीके से देखते होंगे, ये यकीनी बात है कि आप राइटर हैं तो आपको राइटिंग आनी चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में राइटिंग का पहला उसूल ये है कि आप अच्छे ऑब्ज़र्वर हों, आपके अंदर डिलीवर करने की क्वालिटी हो, तो फिर अगर आपके अल्फाज में कहीं उतार चढ़ाव में कमज़ोरी भी है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पास बड़ा पर्पज़ होता है या कोई चीज़ होती है डिलीवर करने के लिए। ठीक है मैम, यूथ के लिए कोई मैसेज दें, हमारी रहनुमाई करें? हाँ, यूथ के लिए मेरा एक बहुत जो मेन मैसेज है, जो खुशियों का मकनातीस भी मेरी किताब का जो मेन खुलासा है, वो यही है कि मैं यूथ से ये कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजारी को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और कंप्लेनिंग बिहेवियर से दूर हो जाएं। और शुक्रगुजारी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी कि शुक्रगुजारी अल्फाज से कहीं ज़्यादा डीप इमोशन से रिलेट करती है। आपके अपने अंदर की जो एहसासात हैं, जो इमोशन हैं, वो आपके जो आपके मौजूदा नेमतें हैं उनके साथ आप उसको जितना कनेक्ट करते हैं कि अल्लाह ने आपके ऊपर
कहीं भी ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, जब आप उसको डीपली शुक्रगुजारी के एहसासात को जब महसूस करते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। ये मैं खाली कहने की बात नहीं कर रही, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि मैं थियोरेटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पर बिलीव करती हूँ, और मैं शुक्रगुजारी को यहाँ इसीलिए एज अ मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो बेहतरी आई है, जो भी खूबसूरती आई है, वो शुक्रगुजारी के बदौलत आई है। मैम आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप प्रैक्टिस करती हैं? नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने मास्टर्स जर्नल साइकोलॉजी में किया हुआ है और मास कम्युनिकेशन में भी किया हुआ है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने जिस खूबसूरत अंदाज में एंकरिंग को, कंपेयरिंग को और राइटिंग को एक्सप्लेन किया, बहुत कमाल है। मुझे और मेरी टीम को, ग्रेट पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।